हफ्ते भर में आरक्षण को मजबूत किया गया है। और देखिए, इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए, और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई, फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र हैं किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामलाल जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने समझें। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहता है, दंगाई पार्टी है, इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था, तो ये सब लोग जानते हैं। लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना, वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है, मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है, ये यथार्थ है, सच्चाई है। कान बंद कर करके नहीं रहना चाहिए, आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए, आंख खोल के, कान खोल करके देखना चाहिए कि भाजपा के नेता, सांसद, कैंडिडेट बार बार इस बात को कह रहे हैं 400 पार लाओ और हम संविधान को बदलेंगे। लेकिन विजय चौधरी कह रहे हैं कि जो रामकृपाल यादव हैं वो ऐसे उम्मीदवार हैं कि लोगों को चिंता खून से हो रही है। विजय चौधरी, अरे कौन किसके बारे में क्या कहता है, हम सबके लट्ठे का लिए बीजेपी के, आप जनता ना मालिक है, मालिक तय करेगी। बीजेपी के सभा में आप कार्यकर्ताओं भी आपस में लड़ रहे हैं तो सम्राट जी नाराज, चौधरी को मंच छोड़ के भागना पड़ रहा है।